Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं From Academy to Competitive English और आज आप पढ़ने जा रहे हैं Synthesis of Sentences का Part 7 और इस पार्ट में आप पढ़ेंगे Combination of Simple Sentences into One Complex Sentence। तो Complex Sentence के बारे में पढ़ने से पहले जानते हैं Clauses के बारे में। Clause को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, यानी किसी वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब कुछ होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये पूरा एक सेंटेंस है और इस एक सेंटेंस के दो भाग हैं। एक भाग है ही टोल्ड मी और दूसरा भाग है दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो दो पोर्शन बने हैं दोनों में ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब कुछ अवेलेबल हैं, तो ये कहलाते हैं उपवाक्य। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं इफ़ यू वर्क यू विल पास। यहाँ पर भी दो पोर्शन है, पूरा सेंटेंस एक है और इस एक सेंटेंस में दो भाग हैं और दोनों पोर्शन में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। क्लाजेस तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है, वाक्य का वह भाग होता है जो कंजंक्शन फ्री होता है, यानी एक ऐसा पोर्शन सेंटेंस का जिसमें कंजंक्शन नहीं आता है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लाज। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है ही टोल्ड मी, तो ये पोर्शन कंजंक्शन फ्री है और ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लाज। और दूसरे सेंटेंस में जो हमने बोला था इफ़ यू वर्क यू विल पास, तो यहाँ पर यू विल पास कंजंक्शन फ्री है तो ये प्रिंसिपल क्लाज है। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लाज, ये वो भाग होता है जिसके साथ कंजंक्शन आता है और ये अपनी प्रिंसिपल क्लाज पर आश्रित होता है। जैसे जो सेंटेंस था ही टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ पर दैट कंजंक्शन के बाद में प्रारंभ होने वाला कंजंक्शन सहित कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाज, क्योंकि ये अपनी प्रिंसिपल क्लाज ही टोल्ड मी पर आश्रित है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस था इफ़ यू वर्क यू विल पास, यहाँ पर इफ़ यू वर्क में कंजंक्शन लगा हुआ है तो ये प्रिंसिपल क्लाज नहीं हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। और जो यू विल पास है ये प्रिंसिपल क्लाज होगा, ये कंजंक्शन फ्री है। अब बचा है तीसरा कोऑर्डिनेट क्लाज और इसके बारे में आप कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और दोनों फाइनाइट वर्ब्स किसी ना किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती हैं। इसमें एक प्रिंसिपल क्लाज था, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। सबऑर्डिनेट क्लाज तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। नाउन क्लाज क्या है, ये वाक्य में संज्ञा की तरह कार्य करता है, यानी नाउन की तरह कार्य करता है। हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट, ये नाउन क्लाज के कंजंक्शंस हैं। और हिंदी में जब अर्थ निकालते हैं तो कि क्या, कि कब, कि कहाँ, कि क्यों, इस तरह से अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लाज, क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं एडजेक्टिव क्लाज कहलाते हैं और इसके लिए कंजंक्शंस प्रयोग किए जाते हैं हु, विच, वेयर, दैट, हुज। तीसरा है एडवर्ब क्लाज, एडवर्ब क्लाज का प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब ये सारे कंजंक्शंस बहुत सारे हैं, तो इन कंजंक्शंस को मिला करके अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि एक समझने में आपको सुविधा रहेगी कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए या किन से संबंधित बात कही गई होगी, तब इन कंजंक्शन का हम प्रयोग करेंगे। जैसे नंबर वन है मैन फैक्टर और इसके लिए कंजंक्शन है हु, हुम, हुज, यानी व्यक्तियों के लिए अगर कोई बात कही जाएगी तो हु, हुम, हुज में से कंजंक्शंस लगेंगे। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर और इसके कंजंक्शन है व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, व्हेनेवर, टिल, अनटिल। नेक्स्ट है प्लेस फैक्टर और इसके कंजंक्शन है वेयर, वेयरएवर। नेक्स्ट थिंग फैक्टर और उसके कंजंक्शन है विच, दैट, व्हाट। अगला है रीजन फैक्टर, बिकॉज, वाई, सो, डॉट डॉट दैट, ये रीजन फैक्टर के कंजंक्शंस होंगे। कंडीशन फैक्टर के हैं इफ, अनलेस, अदरवाइज। नेक्स्ट कंपैरिजन फैक्टर के हैं
एज डॉट डॉट एज, फिर एज सो डॉट डॉट एज, ये एक ही बात होती है। फिर अगला इसी का कनेक्शन होता है देन। नेक्स्ट है कंट्रास्ट फैक्टर, जिसमें दो या आल दो का प्रयोग किया जाता है। पर्पस फैक्टर, सो दैट लगता है, लेस्ट आता है, दैट वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं मैन फैक्टर के आए हुए कंजंक्शंस का यूज कैसे करते हैं। तो मैन फैक्टर का पहला कंजंक्शन है हु, जिसको हिंदी में कहते हैं जो या जिसने। तो इसके आधार पर समझते हैं, जब पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो उस सब्जेक्ट यानी दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को हटा करके हु से वाक्य जोड़ते हैं। दूसरी चीज, ये एडजेक्टिव क्लास की तरह काम करेगा, यानी विशेषता किसी की बता रहा होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसकी विशेषता बता रहा है इसे हम उसी के साथ में प्रयोग करें, जिसकी विशेषता बता रहा है, और इसमें दोनों के बीच में कोई नया शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बॉय केम टू मी ही वॉज ब्लाइंड। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है ए बॉय केम टू मी, जिसमें ए बॉय सब्जेक्ट है और मी प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से किसी के लिए दूसरे वाक्य में अगर सब्जेक्ट आया हो, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट आया ही, तो ये पहले वाले वाक्य के बॉय के लिए प्रयोग किया गया है, तो ही हटा करके हम हु लिखना होगा, यानी हमारा सेकेंड सेंटेंस बन हो जाएगा हु वाज ब्लाइंड। अब हु वाज ब्लाइंड का संबंध है किससे, बॉय से, तो इसे हम बॉय के बाद में ही प्रयोग करेंगे, बचे हुए शब्द काम लगा करके बाद में कर दिए जाएंगे। तो कंबाइंड सेंटेंस बनेगा ए बॉय हु वाज ब्लाइंड केम टू मी। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, आई सॉ ए मैन यस्टरडे ही वाज कैरिंग ए लैंटर्न। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है पहले वाले में आई और ऑब्जेक्ट है मैन, तो इन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है ही, किसके लिए आया, ये आया मैन के लिए। तो दूसरे सेंटेंस में ही वाज कैरिंग लैंटर्न में ही हटा करके हमें हु का प्रयोग करना है, तो जब हु का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हु वाज कैरिंग ए लैंटर्न, और इसका संबंध है मैन से, तो इसको हम मैन के बाद में प्रयोग कर दें। यानी हमारा सेंटेंस अगर हम ऐसे करते हैं, आई सॉ ए मैन हु वाज कैरिंग ए लैंटर्न, जो बीच में स्टर्डे फंस रहा था उसको वहाँ से हटा दिया, अगर इसको हम लास्ट में प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टर्डे एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसका संबंध सा वर्ब से है, तो उसी सेंटेंस से संबंध इसको प्रयोग करना चाहिए, तो स्टर्डे का प्रयोग हम सबसे पहले कर सकते हैं। यानी सही सेंटेंस बनेगा स्टर्डे आई सॉ ए मैन हु वाज कैरिंग ए लैंटर्न। इसका अगला कंजंक्शन है होम, जिसको हिंदी में कहते हैं जिसे या जिसको। तो इसको समझते हैं, जब पहले वाक्य सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट का अगर प्रयोग किया गया हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हटा करके होम से वाक्य जोड़ते हैं, और इसे भी सदैव उसी के साथ में प्रयोग करना चाहिए जिससे ये संबंधित हो। ऐसे सेंटेंस देखिए, द थीफ डाइड लास्ट नाइट, द पुलिस बीट हिम मर्सिलेसली। यहाँ पहले वाक्य का सब्जेक्ट है द थीफ और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले वाक्य सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए प्रयोग किया गया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो हिम आया है, हिम ऑब्जेक्ट है और हिम का प्रयोग किया गया है थीप के लिए, तो हिम हटा करके हिम की जगह पर हुम नहीं लिखेंगे, बल्कि सेंटेंस से पहले लिखेंगे जो पूरा सेंटेंस है द पुलिस बीट हिम मर्सिलेसली, तो हिम तो वहाँ से हटेगा, लेकिन हुम का प्रयोग हमें करना है सब्जेक्ट से पहले, यानी दूसरा पोर्शन हमें ऐसे लिखना होगा जब हिम को हटा देंगे हुम द पुलिस बीट मर्सिलेसली। अब हम देख चुके हैं कि हुम द पुलिस बीट मर्सिलेसली का संबंध किससे, द थीप से, तो इसको हम द थीप के साथ में प्रयोग कर देंगे, यानी हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा द थीफ हुम द पुलिस बीट मर्सिलेसली डाइड लास्ट नाइट। अगला है आई बीट ए बॉय यू नो हिम बाय फेस। यहाँ पर भी पहले वाक्य सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे में हिम ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया, तो हिम ऑब्जेक्ट को हटा करके होम से हमें जोड़ना होगा, तो दूसरा सेंटेंस बनेगा होम यू नो बाय फेस, और होम यू नो बाय फेस का संबंध किससे, बॉय से, तो बॉय के बाद में ऐसे लिख दिया गया, यहाँ पर आपको अतिरिक्त कोई शब्द इधर उधर नहीं करना है। इसका तीसरा कंजंक्शन है हुज, जिसको हिंदी में कहते हैं जिसका या जिसकी। जब पहले वाक्य सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे वाक्य में कोई पजेसिव केस प्रयोग किया गया, पजेसिव केस जैसे माई आवर योर हर इज देयर वंस, इस तरह से अगर कोई प्रयोग किए गए हैं तो उन पजेसिव केसेस को हटा करके हुज से वाक्य जोड़ेंगे, और इसका भी प्रयोग उसी के साथ करेंगे जिससे उसका संबंध होगा। जैसे ए गर्ल वॉज वीपिंग हर बुक्स वर टॉर्न, पहले वाक्य का सब्जेक्ट है गर्ल, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो दूसरे वाक्य में एक शब्द आया हर बुक्स,
जिसमें हर पजेसिव केस है और हर का संबंध है गर्ल से, तो हर हटा करके यहाँ पर हमें लिखना होगा हुज। तो दूसरा सेंटेंस हमारा बनेगा हुज बुक्स वर टर्न, और हुज बुक्स वर टर्न का संबंध किससे, गर्ल से, तो इसको उसी के साथ में प्रयोग कर देंगे, बन जाएगा ए गर्ल हुज बुक्स वर टर्न वॉज वीपिंग। अगला है आई सॉ अ मैन हिज बियर्ड वॉज लॉन्ग, यहाँ पहले वाक्य सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे वाक्य में पजेसिव किस आया हिज, और इस हिज का संबंध किससे, मैन से, तो हिज पजेसिव कैसे, इसको हटा करके हुज लिखेंगे, हुज बियर्ड वॉज लॉन्ग, और हुज बियर्ड वॉज लॉन्ग का संबंध मैन से, तो इसको मैन के बाद में प्रयोग कर देंगे। और इन सभी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दो दो फाइनाइट वर्ब्स हैं, जिसमें एक वर्ब फाइनाइट वर्ब सा और दूसरी वर्ब है वाज, तो दो फाइनाइट वर्ब जिस सेंटेंस में आते हैं वो सभी सेंटेंस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित शेष वाक्यों को कंबाइन करना हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।